मैं बताऊंगा पांच ऐसी मुद्राएं जो मुद्रा विज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है मुद्रा विज्ञान क्या है ये प्राणायाम से भी ज़्यादा लाभ देता है पाँच से पैंतालीस मिनट करने में ये विज्ञान हमारी उंगलियों में छुपा हुआ है और घर में ही बैठे कर सकते हैं कितना लाभ मिलता है ये आप करेंगे प्रैक्टिकली तब पता लगेगा जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश ये पांचों तत्व हैं हमारे आपकी उंगलियों में और इनको बैलेंस करना है पांचों तत्व को बैलेंस करना है तो ये मुद्राएं बना के अपना तत्वों को और एक मुद्रा ऐसी बताऊंगा जिसको करते ही आप शारीरिक लाभ लेंगे पांच मुद्राएं हमारे पांचों तत्व से जुड़ी हुई हैं कौन कौन सी हैं क्या क्या लाभ है मैं बताऊंगा पहले सबसे पहले ज्ञान मुद्रा देखिए तीन उंगलियां सीधी उंगली अंगूठा मिले रहे जीरो की शक्ल में इसको अपनी चौकड़ी मार के बैठना है सुखासन में सिद्धासन में या पदमासन में अपनी कलाई जो है घुटने पर रखनी है उंगलियाँ बिल्कुल सीधी जीरो की शक्ल टच करना है सिर्फ साथियों ज्ञान मुद्रा अरे क्या लाभ है इसका आपके अंदर को तनाव को ख़त्म कर देता है आपका ज्ञान बढ़ा देता है आपकी मन को शांति देता है और हाई ब्लड प्रेशर वाले यदि तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो इस मुद्रा में बैठ जाएं आंखें बंद करके और एकदम आपका मन शांत हो जाएगा और इससे आपको ज्ञान पैदा होगा ये मुद्रा वायु तत्व से जुड़ी हुई है दूसरी मुद्रा वायु मुद्रा देखिए दोनों उंगली अंगूठे की जड़ में लगानी है विधि ठीक करोगे तो लाभ पूरा मिलेगा यह वायु मुद्रा है पांचों तत्व से हमारा शरीर बना है पांचों तत्व की मुद्राएं हैं आज मुद्रा विज्ञान मैं पांच तत्वों के बारे में ऐसा बता रहा हूँ एक एक मुद्रा से कितना लाभ है साथियों वायु मुद्रा अंगूठे की जड़ में पहली उंगली वायु तत्व वाली लगा के तीन उंगलियाँ सीधी और कलाई घुटने पर यह क्या करती है अरे वायु संबंधी रोग सभी ठीक करती जिनके जोड़ों में दर्द है जिनके एसिडिटी बनती है, तजाब बनता है गैस बनती है वायु का रोग कहते हैं ना इसको वायु हो गई है इसको जोड़ों में दर्द बाई की वजह से वायु की वजह से ये खीर थी, ठीक करेगी ना जिनके घुटनों में दर्द है जिनके जोड़ों में दर्द है और ये मुद्रा लगा के पाँच से पंतालीस मिनट रोज़ समय ना मिले लगातार 45 मिनट ना मिले तो आप सुबह 15 मिनट दोपहर को 15 मिनट शाम को 15 मिनट ये थे तीसरी मुद्रा शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा दे बड़ी उंगली जो है इसको टच करके तीन उंगलियां सीधी बड़ी उंगली जो आकाश तत्व से लिंक करती है इसको हल्का सा टच करके आपने दो तीनों उंगलियां सीधी कर देनी कलाई पर कलाई घुटनों पर उसी तरह और शून्य मुद्रा आकाश मुद्रा बात एक ही है ये क्या करती अरे सुनो जिनके दांतों में कोई रोग है जिनके कानों में कोई रोग है जिनकी आँखों में कोई रोग है दांतों का रोग कानों का जिनको कम सुनाई देता है जिनके कान में बंद हो जाते हैं सुराख हो गया है उनके लिए ये मान मुद्रा है इसको दो तरीके से कर सकते हैं इसको दबा है, के भी कर सकते हैं इसके टच के भी कर सकते हैं लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है इस मुद्रा में ये जब आपका रोग ठीक हो जाए तो बस बंद कर देनी है फिर कोई ज़रूरत नहीं इसका पाँच से पैंतालीस मिनट तो कर सकते हैं यदि आपके दांत मसूड़े फुले हुए हैं कानों में बंद हो गए हैं और गला खराब हो गया है आँख कान नाक गले के रोगों को ठीक करती है ये मुद्रा कानों का कोई रोग है आँखों का कोई रोग है गले का कोई रोग है नाक का कोई रोग है सब में इसका लाभ है ये मुद्रा भी आप चलते हुए नहीं करनी अगली मुद्रा पृथ्वी मुद्रा ये सारे तत्वों से जड़े हुए हैं हमारा शरीर भी पांच तत्वों से बना है भा से भूमि गा से गगन वा से वायु ना से नीर पृथ्वी संबंधी जितने भी तत्व हैं आपके खून की कमी हो गई है पेट का रोग है कब्ज है अनिमिया है अनिमिया खून की कमी को ये ठीक करता है लेकिन ये भी हम दो तरीके से करते हैं जिनका कैलेस्ट्रोल बड़ा है जिनका ब्लड गाढ़ा हो गया है, उसको ये ठीक करती है इसी के साथ जुड़ी हुई है अग्नि मुद्रा यदि इसको टच करके हाँ जो कमज़ोर आदमी हैं जिनको चक्कर आते हैं पतला शरीर है वो तो इस तरह करें और जिनको मोटापा कम करना है वो इसको दबा के करें ये अग्नि मुद्रा बन गई है पृथ्वी मुद्रा के साथ ही जुड़ा हुआ है अग्नि मुद्रा का संबंध कैलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसको ठीक करेगी जिनका फैट बढ़ा हुआ है उसको ठीक करेगी जिसका कैलेस्ट अनिमिया तो ठीक करेगी करेगी गैस तो ठीक करेगी ही करेगी लेकिन जिनका मोटापा है उनके लिए ज़्यादा लाभ देगी पाँच से पैंतालीस मिनट रोज़ करें जिनको फैट है एकदम लाभ देने लगती है पाँच से पैंतालीस मिनट एक हफ्ते में आपका वेट कम कर देगी जिनको आप वेट कम करना चाहते हैं तो ये मुद्रा बना के कपाल भाती करें जिनको ताकत लेनी है वो ये पृथ्वी मुद्रा के दो रूप हैं लेकिन जिनके कैलेस्ट्रोल भी बढ़ा हुआ है मोटापा भी है गैस भी बनती है कब्ज भी है वो ये कर दें साथियों अगली मुद्रा है वरण मुद्रा वरण क्या है जल भगवान में नाग शब्द को नीर बोलते नीर से जल भी कह देते हैं कोई नीर कहते हैं कोई पानी कहते हैं और एक वरुण भी कहते हैं चीची उंगली इसके साथ ये टच करना है टच करके मुद्रा को विशेष तौर पर जिनके शिव शाप से रोग है बच्चे बीच में पेशाब कर देते हैं शुगर वाले मरीज़ को बार बार पेशाब आता है जिनके प्रोस्टेट बढ़े हुए हैं जिनके बार बार टेस्टिकल बढ़ जाते हैं वो रोग हो जाता है हरनिया का जिनके जल संबंधी कोई भी समस्या है बार बार पेशाब जाने से मसाना कमज़ोर पड़ जाता है तो उसको ताकत देगी इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आप लोग मेरे को कमेंट्स करें कि ये मुद्राएँ विज्ञान आपको कैसे लगा धन्यवाद